नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो दिल्ली वालों की सेवा में एक बार फिर हाजिर है। 5 महीने से भी लंबे वक्त के बाद आज से येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अभी बरकरार है। ऐसे में यात्रियों को कई सावधानियों के साथ यात्रा करनी होगी। अगर आप भी मेट्रो में सफर करने वाले हैं तो इसकी पूरी तैयारियों का जायजा ले लीजिए। दिल्ली वासियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो अब फिर से दौड़ने लगी है। कोरोना की वजह से 169 दिनों से बंद दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर लौट आई है। 7 सितंबर की सुबह दिल्ली में एक बार फिर से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई। हालांकि ये शुरुआत सिर्फ येलो लाइन से ही हुई है, जो कि समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर की ओर जाती है। सुबह 7 बजे हुड्डा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए मेट्रो ट्रेन रवाना हुई। आज से 49 किलोमीटर के येलो लाइन पर मेट्रो रेल को चलाया जा रहा है। इस रूट पर कुल 37 स्टेशन हैं, जिसमें 20 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं, जबकि 17 एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर हैं। इस रूट पर मेट्रो रेल सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक ऑपरेशनल होगी, यानी 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम। 5 दिनों के बाद यानी 12 सितंबर से बाकी रूट पर भी सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए मेट्रो सेवा ऑपरेशनल होगी। मेट्रो स्टेशन पर सही व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए सिर्फ 1 या 2 एंट्री गेट और एग्जिट गेट खोले गए हैं। मेट्रो में यात्रा को लेकर डीएमआरसी ने गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके अनुसार बेवजह मेट्रो में यात्रा न करें। इसके अलावा यात्रा करते हुए आपस में बात करने को भी मना किया गया है। सभी यात्रियों को 15 से 30 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम लेकर यात्रा करने को कहा गया है, जिससे वो अपने गंतव्य स्थलों पर समय से पहुंच सके। 30 मिलीलीटर से ज्यादा सैनिटाइजर की अनुमति नहीं है। सभी यात्रियों से अपने मोबाइल सेट पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड लेकर यात्रा करने को कहा गया है। स्टेशन पर टोकन मुहैया नहीं होंगे। किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। लोगों से यात्रा के दौरान कम से कम सामान कैरी करने को कहा गया। ट्रेन के अंदर क्या ध्यान रखें? पैसेंजर्स को अल्टरनेट सीट यानी एक सीट छोड़कर ही बैठना होगा। स्टेशन पर यहाँ मत बैठिए के स्टिकर लगाए गए हैं। अगर खड़े हैं तो बाकी यात्रियों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय भी 10 सेकंड बढ़ा दिया गया है। इंटरचेंज स्टेशन पर ट्रेन 20 सेकंड से ज्यादा रुकेगी। टर्मिनल स्टेशन पर ट्रेन सैनिटाइज होगी। दिन भर के बाद डिपो पर लौटने के बाद भी ट्रेन सैनिटाइज होगी। टर्मिनल स्टेशन पर ट्रेनों के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि ताजी हवा आ सके। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बकायदा क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट जारी की है। स्टेशन और मेट्रो में भी समय समय पर अनाउंसमेंट होती रहेगी। शुरू में हर स्टेशन पर 1 या 2 गेट्स के जरिए ही एंट्री होगी। स्टेशन और ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होती रहेगी कि भीड़ ज्यादा तो नहीं है। फ्रीस्किंग पॉइंट, कस्टमर केयर, AFC गेट्स समेत सभी जगहों पर निशान बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। हर जगह को 4 घंटे में डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इंसान के संपर्क में आने वाली हर चीज, चाहे वो लिफ्ट हो या फिर AFC गेट के टच पॉइंट्स हो या कस्टमर हैंडलिंग पॉइंट्स, हर जगह को हर 4 घंटे में डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखनी होंगी ये बातें। कम से कम सामान लेकर चलें। धातु की चीजें ना रखें। 30 मिलीलीटर से ज्यादा मात्रा में हैंड सैनिटाइजर ना रखें। टोकन फिलहाल नहीं चलेंगे, सिर्फ स्मार्ट कार्ड होल्डर और एयरपोर्ट लाइन पर QR कोड से एंट्री मिलेगी। स्टेशन पर रिचार्ज भी सिर्फ कैशलेस मोड पर होगा। फीडर बस सर्विस नहीं मिलेगी। स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय भी बढ़ा दिया गया। पैसेंजर्स को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। सीटों पर यहाँ मत बैठिए के स्टिकर्स लगाए गए हैं। अगर खड़े हैं तो बाकी यात्रियों से कम 1 मीटर की दूरी बनानी होगी। तो इन तमाम जरूरी फैसलों के बाद DMRC ने मेट्रो को सेफ बना दिया है। देखना होगा कि क्या वाकई ये यात्रियों के लिए भी सेफ रहती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
दिल्ली मेट्रो ऐसे समय पर चल रही है जब रोजाना 2000 के तकरीबन केसेस सामने आ रहे हैं। अब मेट्रो को चलाने का फैसला सही था या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल डीएमआरसी की तैयारियां पुख्ता हैं और आप इस सेवा का आनंद बेफिक्र होकर ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।